मेरे देश में 137 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं मेरे देश में, क्योंकि मेरा देश महान है। यहाँ पे 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जवान हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ है मेरे देश में। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है मेरे देश में। 464 पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने सपोर्ट किया। 2019 के इलेक्शन में 90 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया। ये नंबर US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कम्बाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया की नज़र हम पे है यार, अब नंबर वन बनने का हमारा इरादा है। दिवाली के दिन 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के लोग पटाखे जलाते हैं मेरे देश में। दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट यूजर इंटरनेट चलाते हैं मेरे देश में। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे देश में, अनगिनत कम्युनिटीज़ है मेरे देश में। अपनी सारी फीलिंग्स को, अपने सारे इमोशंस को इस वीडियो में जताऊंगा। इतने सारे नंबर गिना दिए, अब नंबर के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट बताऊंगा। दुनिया को जीरो हमने दिया, गिनती करना भी हमने सिखाया, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री भी हमने सिखाया, डेसिमल सिस्टम और प्लेस वैल्यू सिस्टम भी हमने बताया। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला को हमने भी बनाया। शुरू से ही हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान था, इसीलिए हमारा देश महान था। 18 सेंचुरी से पहले हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर थे, ये सब पता नहीं है, इसलिए आज के डेट में बहुत से लोग बकवास कर रहे हैं। टिकटॉक और पबजी के चक्कर में न जाने कितने लोग अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश बोलने वाली कंट्री हम हैं। अब वक्त आ चुका है दुनिया को बताने का कि हमारे अंदर कितना दम है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, मास्टर कार्ड, एडोब, इन सारी कंपनियों के CEO हमारे देश से निकले हैं अगले 10 साल में। दुनिया के टॉप बिलियनर्स भी हमारे देश से ही निकलेंगे। बस अब जागना होगा, अपने सपनों के पीछे भागना होगा। इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से अपने स्पेस ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, स्पेस से हमारा भारत कैसा लगता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जात धर्म बहुत हो गया यार, अब हमारी एकता ही बनेगी एक दूसरे का सहारा। हमने तिरंगे को अंतरिक्ष में भी फहराया। 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमारे देश में। सिर्फ इसरो ही ग्रेट नहीं है यार, नासा के अंदर 36% साइंटिस्ट भी हमारे देश से हैं। डायमंड को भी सबसे पहले हमारे देश ने माइन किया। आजकल लोग पबजी खेल रहे हैं, लेकिन या लूडो, चेस, स्नैक एंड लेडर्स, कैरम बोर्ड जैसे इपिक गेम को हमारे देश में इन्वेंट किया। 4,700 न्यूज़पेपर 300 से भी ज़्यादा भाषाओं में प्रिंट किया जा रहा है मेरे देश में। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस सिस्टम मेरे देश में, जिसको कई सालों की मेहनत से हमने बुना। इस पोस्टल सिस्टम का नेटवर्क चाइना के पोस्टल सिस्टम से भी है 3 गुना। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नौकरी देने वाली एम्प्लॉई यानी इंडियन रेलवे सिस्टम मेरे देश में, जिसमें हर रोज लाखों लोग चढ़ते हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं। 13 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव जवानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मेरे देश में। न्यूक्लियर पावर, एटमिक एनर्जी को प्रोसेस करने वाली दुनिया की 9 कंट्री में मेरा देश एक है। हमारे ही चंद्रयान ने चांद पर सबसे पहले पानी की खोज की। हम लोग अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होकर मंगल पे पहुंचे। और सिर्फ मंगल पे जीवन ही नहीं खोज रहे यार, जीवन में मंगल भी खोजते हैं। अभी तक जो लोग सोए हुए हैं उन्हें जागना होगा, अपने सक्सेस और देश के लिए फुल स्पीड से भागना होगा। अब जागो, चेज करो सपनों को, भागो, एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा तूफान बनेगा। अब फिर से हमारा देश महान बनेगा और सक्सेसफुल हर इंसान बनेगा। तो दोस्तों, प्राउड करो अपने इंडियन होने का और गर्व से कहो I am Indian। और हाँ, अगर करते हो अपने देश से प्यार और फख्र है तुम्हें इंडियन होने पर, तो हर एक भारतीय के मोबाइल में 15 अगस्त के पहले आग की तरह चारों तरफ इस वीडियो को फैला दो। और इस तरह की दमदार और पावरफुल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा देना।